श्री रामचंद्र भगवान की प्रेम जोड़ जय श्री राम जय श्री राम बोलिए शिवा के बिहारी लाल की। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकाल करुणा बनवालय अनंत कोटि कल्प करुण पीतांबर हरि श्री बालकृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित सभी संत समाज ब्राह्मण समाज विद्युत समाज सभी भक्त जनों के हृदय में विराजित मेरे लोकलोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज इस द्वितीय दिवस के श्री रामचरित मानस की पावन वेला में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। आज इस दिव्य कथा का दूसरा दिन है। कल हम सभी ने भगवान श्री राम के नाम की महिमा को श्रवण किया कि भगवान का नाम लेने का कितना बड़ा भावार्थ निकलता है, कितनी बड़ी महिमा है प्रभु के नाम की। हम सभी ने श्रवण किया कि बड़ी बड़ी रामायण लिखी गई लेकिन सबको नाम रामायण दिया लेकिन बाबा तुलसी ने जो रामायण लिखी उसको नाम रामायण नहीं दिया। बाबा तुलसी ने जो ग्रंथ लिखा उसको नाम दिया श्री राम चरित मानस। राम जी का जो अगाध चरित्र है मानस रूपी सरोवर बाबा तुलसी ने राम जी की कथा को सरोवर की महिमा दी कि जिस भी भांति व्यक्ति जाए सरोवर में स्नान करे और पवित्र हो जाए। रामायण राम और यण का अर्थ होता है मंदिर। जो राम जी का मंदिर है तो मंदिर में बिना स्नान किए तो जाते नहीं है। तो बाबा तुलसी कहते हैं पहले राम चरित मानस रूपी सरोवर में स्नान करो फिर आप किसी भी मंदिर में चले जाओ कोई भी रामायण पढ़ लो। एक रामायण तो है नहीं हजारों रामायण है फिर किसी भी रामायण को आप पढ़ो। इसलिए बाबा ने नाम दिया श्री राम चरित मानस। और आज जिस कथा को हम सुन रहे हैं इस कथा को बाबा तुलसी ने कब लिखना प्रारंभ किया? जब बाबा भोलेनाथ की कृपा हुई और श्री हनुमान जी महाराज की अगाध कृपा से बाबा तुलसी ने श्री रामचरित मानस को लिखना प्रारंभ किया। और लिखा कब? संबद सोलह सौ इकतीस संबद सोलह सौ इकतीस Thank you.
इस राम चरित मानस को लिखा तो बाबा ने इसमें 700 लिखे, जिसे हम बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड के नाम से कहते हैं। इनको बाबा ने 100 कहा, 700 लिखे। सबसे पहले तुलसीदास जी ने बाल कांड लिखा। अब यहाँ पर बाल कांड ही क्यों लिखा, बालक कांड भी लिख देते, लेकिन बाल कांड सबसे क्यों लिखा? हमें इन 700 से कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये बाल कांड हमें क्या सिखाता है? कहते हैं यदि बालक कांड लिख ले तो बालक का अर्थ किशोर अवस्था से हो जाता है। किशोर अवस्था जब बालक 14-15 साल का होता है तो उसे किशोर अवस्था कहते हैं। और बाल कांड इसलिए लिखा क्योंकि जो शिशु होता है, छोटा सा जो शिशु होता है उसे बाल कहते हैं, बाल कांड। तो कहो यहाँ पर बाबा तुलसी कहना चाह रहे हो कि बाल कांड से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है यदि राम जी को पाना है, यदि इस परमात्मा को पाना है, तो एक छोटे से शिशु की तरह बन जाओ, एक छोटे से नन्हे से बालक की तरह बन जाओ। क्योंकि छोटा सा शिशु होता कैसा है, ना उसमें कोई देह होता है, ना उसमें कोई अवगुण होता है, ना किसी चीज का लोभ होता है, ना काम क्रोध मोह माया एक छोटे से बालक के अंदर नहीं होती। और जब कहीं बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर दुनिया की माया आती है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं यदि राम जी को पाना है तो एक छोटे से बालक की तरह बन जाए। और छोटा सा बालक कैसा होता है? बालक पूरे दिन भर खेलता रहे, माँ उसको गोदी में नहीं लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं माँ को लगेगा कि दिन भर हो गया है, बालक ऐसे ही खेल रहा है, तो माँ खुद जाकर उस बालक को अपनी गोदी में ले लेती है। तो महाराज यदि हम छोटे से बालक बन जाएंगे तो एक दिन बलराम जी भी कृपा करके हमें अपनी गोदी में उठा ले। इसलिए बाल कांड सिखाता है कि छोटे से बालक की तरह भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जिसमें ना ही कोई गुण है ना ही कोई अवगुण है, उसका मन एकदम पवित्र होता है। और जिसका मन पवित्र होता है राम जी उसी के ऊपर कृपा करते हैं। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं मेरे मन मन जन सो मोहि पावा, साबुन को लेकर आओ, कपड़े का मैल साफ कर लो,
लेकिन महाराज यदि मन में मैल लग जाए तो मन के मैल को साफ करने के लिए इस दुनिया में कोई साधन नहीं बनी है। यदि मन में मैल लग जाए